हाथ में डंडा लिए खड़ी पुलिस के सामने कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कसरत कर रहे हैं इस वीडियो में देखा जा सकता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जिन लोगों को पुलिस कसरत करा रही है ये वो लोग हैं जो कोरोना कर्फ्यू के दौरान बिना किसी वजह के घर से बाहर घूम रहे थे। यह अनोखी मुहिम चलाई है मध्य प्रदेश की बुरहानपुर पुलिस ने, क्योंकि पुलिस प्रशासन निरंतर लोगों को इस कोरोना महामारी में घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दे रही है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। ऐसे में बुरहानपुर पुलिस ने अब लोगों पर सख्ती दिखाने के बजाय उन्हें इकट्ठा कर स्टेडियम ले जाकर कसरत कराने की मुहिम छेड़ दी है। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए, उनको सचेत करने के लिए, उनको शपथ दिलाने के लिए, और आज यहाँ चारों थाना प्रभारी द्वारा जो पकड़ के लाए हैं उनको, कोरोना कर्फ्यू उल्लंघन करने वालों को उनको आज स्टेडियम में ग्राउंड में लाया, उनको साधारण प्राणायाम व्यायाम के तहत उनको बताया जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करने के साथ साथ कोरोना कर्फ्यू जो लागू किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, अपने यहाँ कलेक्टर साहब द्वारा उसको जारी किया गया 144, उसका उल्लंघन करने पर आप लोग दंड के भागी हो सकते हैं, इसलिए उनको सचेत किया जा रहा है। दरअसल बुरहानपुर जिले में 15 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लग चुका है, जिस दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस अब तक अस्थायी जेल में डालने सहित चालानी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन लोगों पर इसका असर नहीं होने के कारण अब पुलिस ने लोगों को पकड़कर उनसे कसरत कराना शुरू कर दी है। यह कार्रवाई 4 थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए लोगों को नेहरू स्टेडियम ले जाकर उनसे जमकर कसरत कराने सहित सख्त हिदायत देकर जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया।